बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद AFS। आज मैं आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल एक रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है दम का कीमा। ठीक है, चले चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने इसके लिए आधा किलो मशीन का कीमा लिया है। मैंने 4 टेबल स्पून प्याज को ब्राउन करके इसे चूर कर लिया है। ये 4 टेबल स्पून मेरी मैश की हुई प्याज है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक लिया है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है। 1 टेबल स्पून पीसी लाल मिर्च लिया है, ये भुने हुए चने हैं। 2 टेबल स्पून खशखाश है। 1 टेबल स्पून ये गर्म मसाला है। 1 टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा है। 1.5 टी स्पून नमक मैंने लिया हसबे ज़रूरत। और ये मैंने लिया है 4 ये इलायची है, छोटी इलायची, और 4 लौंग। ठीक है, दही लिया मैंने 1 कप भर के, और ऑयल लिया है मैंने 1/2 कप। गार्निश के लिए मैंने लिया है हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया। चले चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। ये देखिए मेरे भुने हुए चने हैं ये, और ये ज़ीरा है, खशखाश है, और ये लौंग और छोटी इलायची। इसे मैं खुश्क मसाले वाले चॉपर में इसे मैं पीस लूँगी। ये देखिए मसाले को मैंने पीस लिया है। अब कीमे में इन सबकी मैरिनेशन करूँगी। चलो मैं कीमे में सबकी मैरिनेशन करूँगी। ठीक है, देखिए दही डाला मैंने इसमें। ये ब्राउन की हुई प्याज डाली मैंने इसमें। ये मसाला जो मैंने बनाया था ये मसाला डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये लेमन जूस, ज़ीरा, नमक। ठीक है, अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप चाहें तो इसे 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे भी आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला। ऑयल गरम हो गया, अब इसमें मैं कीमा मैरिनेट के वक्त कीमा डाल दूँगी। इसे 5 मिनट तक ढक करके हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। इसके बाद फिर मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दूंगी। ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने देखा इसमें दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और कीमे ने भी अपना पानी छोड़ दिया। अब इसे मैं आधा घंटे के लिए या 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी। ये देखें, ये मैंने 20 मिनट बाद इसे चेक किया है, और ये देखें ये कीमा भी गल गया है और इसका पानी जो था वो खुश्क हो गया और कीमा बिल्कुल गल गया है। ठीक है, अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और इसमें अभी पहले कोयले का धुआं दूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ उसमें, थोड़ा सा गार्निश के लिए रख रही हूँ। हरा धनिया मैंने थोड़ा सा डाला, थोड़ा गार्निश के लिए रखा है। अदरक भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं कोयले का धुआं दूंगी। ये देखिए अब इसमें हम कोयले का धुआं दे देंगे। ये बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है हमारा। ठीक है, ये देखिए इसे मैंने डिश आउट कर दिया है और ये मेरा बहुत ही मज़ेदार दम का कीमा तैयार है। आप इस बकरीद पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।